नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिन की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में 6 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने देश के नाम संदेश जारी किया, जिसके बहाने उन्होंने 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नया नारा दिया और रणनीति भी सामने रखी है। अखिलेश ने नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ, इसके अलावा संपर्क, संवाद, सहयोग, सहायता के संकल्प के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाने की अपील की है। ऐसे में सवाल उठता है कि नया नारा और नया मंत्र के साथ सपा की सत्ता में वापसी हो पाएगी क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से नया नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पीएम मोदी के नारे के जवाब में अखिलेश यादव ने भी एक नारा दिया है और कहा है कि सब आए, सबको स्थान और सबको सम्मान। इसी तरह के से उन्होंने सभी को सपा में आने का खुला न्योता दिया है और हर शख्स को उचित स्थान और पूरा सम्मान दिए जाने का भरोसा भी जताया है। 2022 का यूपी चुनाव सपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के लिए से लेकर जाति समीकरण दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अखिलेश ने स्वतंत्रता दिवस से 2022 के चुनाव अभियान का बिगुल भी फूंक दिया है। सपा सरकार की उपलब्धियों और योगी सरकार की खामियों को घर घर ले जाने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। दरअसल ट्विटर बायो में किए गए बदलाव के बाद इसका अनुमान लगाया जा रहा था, जो सुष्मिता देव का इस्तीफा सामने आने के बाद सच साबित हुआ है। दरअसल सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है। बता दें कि फिलहाल सुष्मिता देव फिलहाल ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वहीं टीएमसी सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता टीएमसी नेतृत्व के संपर्क में है और जल्द ही कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी से मिल सकती है। 16 अगस्त को उन्होंने ट्विटर पर अपने इस पद के से आगे भी पूर्व जोड़ दिया है। सुष्मिता देव ने अब बायो में खुद को कांग्रेस का भी पूर्व सदस्य लिखा हुआ है। उन्होंने 15 अगस्त को इस्तीफा दिया है और ऐसे में इससे पहले असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने भी कहा था कि उन्हें सुष्मिता देव के इस्तीफे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि सुष्मिता देव असम बंगाल के बड़े नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं और सुष्मिता देव असम की सिलचर सीट से सांसद भी चुनी गई थी। आज देश में पारसी नववर्ष मनाया जा रहा है और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों ने भारत के विकास और विकास के कई पहलुओं में अपार योगदान दिया है। पारसी नववर्ष सभी के जीवन में एकता, समृद्धि और खुशी लाए और हमारे नागरिकों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना को भी और मजबूत करे। देश में मनाए जा रहे पारसी नववर्ष के बीच जहां एक और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को पारसी नववर्ष की शुभकामनाएं दी, वहीं उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए देशवासियों को पारसी नववर्ष की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पारसी नववर्ष की बधाई, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से भरे साल के लिए प्रार्थना। भारत कई क्षेत्रों में पारसी समुदाय के उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करता है। नवरोज मुबारक। बता दें कि भारत में पारसी एक छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन इस समुदाय से देश को कई क्षेत्रों में कई प्रख्यात शख्सियत मिली हैं। पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से भी जाना जाता है और ऐसे में पारसियों के लिए ये दिन सबसे बड़ा होता है। इस दिन को नए फारसी कैलेंडर की शुरुआत के लिए भी मनाया जाता है। वहीं फारसी भाषा में नव का अर्थ है नया और रोज का अर्थ है नया दिन। पूरे देश में कोरोना के नए मामलों को देखें तो
अकेले केरल में 50% मरीज सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की नींद उड़ा दी है। वहीं अब हालातों की समीक्षा करने आज केरल वो पहुंच रहे हैं, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज का कहना है कि राज्य में कोरोना के हालात इतने भी खराब नहीं है, हम उचित कदम उठा रहे हैं। और ऐसे में केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज का कहना है कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने के लिए केंद्र से वैक्सीन मांगी है। उनका कहना है कि राज्य में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके मुकाबले अस्पतालों की भर्ती होने वालों की संख्या काफी कम है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो केरल में अब तक 3 मिलियन से ज्यादा संक्रमित सामने आ चुके हैं और इसमें 18,601 की जान भी जा चुकी है। वहीं रविवार को राज्य में सबसे ज्यादा 18,582 मामले सामने आए हैं और उनमें से 102 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं करीब 21,000 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और इसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 34 लाख के पार हो चुकी है, जबकि राज्य में अभी भी 1 लाख से ज्यादा सक्रिय कोरोना मरीज हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 1,22,970 लोगों की कोरोना जांच की गई है। तो बता दें केरल में कोरोना को देखते हुए हालात काफी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज केरल पहुंच रहे हैं, साथ ही वहां की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि बीते सप्ताह भी उन्होंने वहां के स्वास्थ्य मंत्री और सीएम से फोन पर बातचीत की थी, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की थी और जानकारी ली थी। और एक बार फिर अब वहां के हालातों का जायजा लेने के लिए मनसुख मंडाविया आज केरल पहुंच रहे हैं, वहां के हालातों की समीक्षा करेंगे। बीते कई दिनों से वो फोन पर बातचीत कर रहे थे और दिल्ली में रहकर वो वहां के हर अपडेट ले रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से हालात केरल में कोरोना को लेकर बिगड़ रहे हैं उसको देखते हुए खुद अब आज केरल के दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पहुंच रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पर प्रधानमंत्री सुबह 7:30 पर वहां पहुंचे और फिर वहां आयोजित प्रार्थना सभा में उन्होंने हिस्सा लिया और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्मृति स्थल पर पुष्प चढ़ाकर नमन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्मृति स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें याद भी किया। बता दें कि 16 अगस्त 2018 को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था और ऐसे में एक बार फिर आज तीसरी पुण्यतिथि पर सभी बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने विधायक प्रगट सिंह को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किया है। ऐसे में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रगट सिंह को सिद्धू के काफी करीबी और कैप्टन के विरोधी माने जाते हैं। कैप्टन के खिलाफ जब सिद्धू ने आवाज उठाई तो सबसे पहले उनका समर्थन प्रगट सिंह ने ही किया था और इससे पहले सिद्धू अपने लिए 4 सलाहकार नियुक्त कर चुके हैं। हालांकि पूर्व डीजीपी मोहम्मद गुस्तफा ने भी उनका सलाहकार बनने से मना कर दिया था, तो ऐसे में अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रगट सिंह को बनाया गया है और सिद्धू ने ये नियुक्ति की है। तो बता दें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रगट सिंह को बनाया गया है और ये नियुक्ति नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से की गई है। हालांकि बता दें इससे पहले भी उन्होंने कई सलाहकार चुने थे और किसी और कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रगट सिंह को सिद्धू के काफ़ी करीबी भी माना जाता है और इसीलिए उन्होंने ये खुद ये नियुक्ति की है और महासचिव उन्होंने बनाया है उन्हें। और साथ ही बता दें प्रगट सिंह को कैप्टन के विरोधी भी माना जाता है। दरअसल कैप्टन के खिलाफ जब सिद्धू ने आवाज़ उठाई थी तो सबसे पहले प्रगट सिंह ने ही समर्थन किया था सिद्धू का और इससे पहले बता दें कि सिद्धू अपने लिए 4 सलाहकार नियुक्त कर चुके हैं। हालांकि पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने भी उनका सलाहकार बनने से मना कर दिया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बच्चों से अपील की है कि वो अपने अंदर के भारत की रक्षा करें। ये भारत उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केरल के मल्लापुरम स्थित अनाथालय के बच्चों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत हमसे अलग नहीं है, भारत हमारे अंदर है, हम सभी के अंदर है। अगर हम मजबूत भारत बनाना चाहते हैं तो हमें उसकी रक्षा भी करनी होगी। देश के लिए जो कुछ भी अच्छा हो वो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अच्छी शुरुआत होगी केरल के मरकज दरुनाथ जात बनात अनाथालय के बच्चों को संदेश देते हुए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी अपलोड किया। उन्होंने कहा कि अगर हम भारत को लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं तो हमें अपने दोस्तों को प्रभावित करने वाले निर्णय से पहले उनसे बात करनी चाहिए। अगर हम भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं तो हमें लोकतांत्रिक व्यवहार भी करना ही होगा। आगे उन्होंने कहा कि अगर भारत में लोग लोकतांत्रिक व्यवहार करना शुरू करते हैं तो महिलाओं को सम्मान देना शुरू कर दें तो भारत असल में लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें भारत की आत्मा को बचाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी बच्चों से की। वहीं बच्चों से उम्मीद बनाए रखने की बात भी राहुल गांधी ने कही। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का द्वार आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर में प्रवेश को लेकर श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक 23 अगस्त से सभी भक्तों को दर्शन के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि कोरोना के प्रतिबंधों की वजह से मंदिर पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से बंद कर दिया गया था और ऐसे में जानकारी के मुताबिक मंदिर प्रशासन ने कहा है कि पुरी नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही 20 अगस्त तक दर्शन के लिए अनुमति मिलेगी। वहीं मंदिर में दर्शन के लिए समय भी तय कर दिया गया है और दर्शन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किए जा सकेंगे। वहीं एक अधिकारी ने कहा है कि आम जनता को 23 अगस्त से प्रवेश की अनुमति होगी। इससे पहले 11 अगस्त को मंदिर प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि मंदिर को खोलने को लेकर मुख्य प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और बैठक में मंदिर खोलने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई थी और ये चर्चा कोरोना समेत कई अन्य मुद्दों को ध्यान में रखकर हुई थी। तो बता दें श्रद्धालुओं के लिए पुरी में जगन्नाथ मंदिर खोल दिया गया है। हालांकि कोरोना कि जब मामले ज्यादा सामने आए थे तब 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब से मंदिर बंद है। अब लेकिन श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से मंदिर खोल दिया गया है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का श्रद्धालुओं को पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और 23 अगस्त से यह मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धालु अब मंदिर की में जाकर दर्शन कर सकेंगे। और बता दें इससे पहले 11 अगस्त को मंदिर प्रशासन की तरफ से एक बैठक की गई थी जिस बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा की गई थी और बैठक की अध्यक्षता वहां के प्रशासन की प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार की तरफ से की गई थी जिसमें कई फैसले लिए गए थे और मंदिर खोलने को लेकर इस बैठक में विस्तृत चर्चा की गई थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि आम जनता के लिए 23 अगस्त से मंदिर खोल दिए जाएंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन लोगों से कराया जाएगा और ऐसे में श्रद्धालु वहां पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक वहां पर दर्शन कर सकेंगे और साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भूमंडलीकरण के दौर में पार्टी और सरकार के मंडलीकरण का दांव चला है जिसे राजनीतिक विश्लेषक मोदी का मंडल दो भी कह रहे हैं और उनका दावा है कि जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल एक प्रयोग ने भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का पूरा चरित्र बदल दिया उसी तरह मोदी का मंडल दो फिर कोई नया गुल खिला सकता है। कहा जा सकता है कि वीपी सिंह की तरह नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा सियासी जोखिम लिया है जो बीजेपी और संघ के हिंदुत्व की राजनीति से मेल नहीं खाता है। फर्क यही है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सवर्ण थे और मंडल के कारण उन्हें सवर्णों का गुस्सा झेलना पड़ा था। वहीं पिछड़ों ने उनके मुकाबले मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे नेताओं को तरजीह दी लेकिन मोदी खुद पिछड़े वर्ग से
आते हैं, इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुकाबले वो ज्यादा मजबूत विकेट पर हैं और उसके सामने इस समय सामाजिक न्याय की राजनीति के पुराने योद्धाओं जीवन के संध्याकाल में हैं और लगभग हो चुके हैं। ऐसे में वर्तमान में कोई सामाजिक न्याय की धारा का कोई नया तेज तर्रार नेता दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके इस दांव से संघ और बीजेपी के अग्रे जनाधार के नाराज होने के खतरे की भी आशंका है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में पूर्व पीएम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं लखनऊ में ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर आज शाम 5:30 बजे मेरी यात्रा अटल यात्रा नामक नाटक का मंचन किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से KGMU के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में CM योगी, दोनों डिप्टी CM, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस मौके पर अटल जी के साथ काम करने वाले 15 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। देश में रविवार को कोरोना के केस में गिरावट देखी गई है। दरअसल 33,212 नए मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 421 लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 2709 की कमी आई है और अब भी 3,76,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 23 मार्च के बाद सबसे कम है और अब बता दें कुल 3,65,000 एक्टिव केस थे और ऐसे में केरल में लगातार चौथे दिन नए मामलों में भी गिरावट देखी गई है। दरअसल यहां रविवार को 18,582 नए केस मिले हैं, जबकि बुधवार को ये संख्या 23,500 थी और बीते दिन राज्य में 102 पीड़ितों ने दम भी तोड़ दिया था। यहां अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 18,601 हो गई है। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए मोदी सरकार में 3 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक और SV सिंह बघेल की यात्रा निकलेगी। तीनों मंत्रियों की यात्राएं 16 से 24 अगस्त तक निकाली जाएंगी और इसकी शुरुआत केंद्रीय कानून और विधि राज्य मंत्री SV सिंह बघेल आज सोमवार को ग्वालियर से कर रहे हैं। विमानन मंत्री सिंधिया की यात्रा कल 17 अगस्त को देवास से शुरू की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। वहीं सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा देवास से शुरू होकर शाजापुर होते हुए इंदौर में समाप्त होगी, जबकि सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक 19 अगस्त को ग्वालियर से यात्रा शुरू करेंगे और तीनों मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा मंदिर, मठ, गुरुद्वारा और शहीदों के घरों से होते हुए गुजरेगी। वहीं मंत्री यहां कुछ देर रुकेंगे भी और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल 43 नए मंत्रियों के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की योजना बनाई है। जिन प्रदेशों में यात्रा होनी है वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम को ये जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल बीजेपी इस यात्रा के जरिए लोगों को बताएगी कि किस तरह से मोदी मंत्रिमंडल में समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है और जमीन से जुड़े सांसदों को मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी गई है। यात्रा के दौरान बीजेपी ताकत का प्रदर्शन तो करेगी ही और ऐसे में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। यूपी में 18 मार्च 2020 को कोरोना लॉकडाउन की वजह से बंद हुए स्कूलों में सोमवार यानी कि आज से फिर रौनक लौट आई है। दरअसल स्कूलों को 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के लिए खोल दिया गया है और स्कूल अभी ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू नहीं करने वाले हैं। दरअसल स्कूल संचालकों के अनुसार जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक बसें नहीं चलाई जा सकती हैं। तीसरी लहर की आने की आशंका है तो ऐसे में चंद दिनों बाद फिर स्कूल बंद करने पड़े तो दुगना घाटा उठाना पड़ेगा। इसीलिए लॉकडाउन की वजह से पहले ही स्कूलों के फंड खत्म हो चुके हैं। कक्षाएं शुरू करेंगे लेकिन यातायात सुविधा नहीं दी जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पब्लिक स्कूल संचालकों के बड़े संगठन ने ऐलान किया है और उसके बैनर तले 25 जिलों के 150 से ज्यादा अधिक स्कूल संचालकों ने यह फैसला किया है। संगठन के पदाधिकारी राहुल केसरवानी ने बताया है
जानकारी दी है कि स्कूल डेढ़ साल बाद खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में 16 अगस्त से केवल कक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन बस और ऑटो बंद रहेंगे। स्कूल संचालकों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो कब आ जाए। ऐसे में कई स्कूलों पर अपना ट्रांसपोर्ट है, लेकिन अधिकांश स्कूल आउटसोर्सेस से बस चलाते हैं, तो ऐसे में स्कूल जोखिम नहीं उठा सकते हैं। तो बता दें, करीब डेढ़ साल बाद यूपी में आज से फिर से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि रौनक स्कूलों में देखने के लिए मिल रही है, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से ट्रांसपोर्ट स्कूल की तरफ से बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसीलिए स्कूल कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन स्कूल खोल दिए गए हैं, हालांकि स्कूलों में कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और इसीलिए ये स्कूल एक बार फिर से खोल दिए हैं, क्योंकि पिछले डेढ़ साल से यूपी में स्कूल बंद थे। हालांकि अब आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, तो ऐसे में कुछ और ज़्यादा नुकसान ना हो स्कूलों का, इसीलिए स्कूल ने ये फैसला किया है कि अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि स्कूल, अब बच्चे अगर आएंगे तो वो अपने ट्रांसपोर्ट से ही आ सकेंगे, स्कूल की तरफ से उन्हें कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजादी की 75वीं सालगिरह पर ऐतिहासिक गांधी मैदान के करगिल चौक पर तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने सीएम ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर 28% करने का ऐलान कर दिया है। अभी तक बिहार में, बता दें, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 12% मिलता था। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि से जुड़े 3 डिग्री कॉलेज की घोषणा भी उन्होंने की है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय कुमार गुप्ता की तिरंगा यात्रा में पेट्रोल से भरी बोतल लूटने के लिए भगदड़ मच गई। हालात कुछ इस कदर बेकाबू हुए कि बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मामला पोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी स्थित किड्जी स्कूल कैंपस का है। बताया जाता है कि तिरंगा यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने फ्री में पेट्रोल देने की घोषणा कर दी थी, और जब लोग अपने अपने बाइकों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे तो जान हथेली पर रखकर पेट्रोल से भरी बोतल लूटते हुए नजर आए, जबकि हजारों की इस भीड़ में आग की एक छोटी सी चिंगारी भी भारी तबाही मचा सकती थी। कौशाम्बी में चायल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। ऐसे में बीजेपी विधायक ने जनपद वासियों से बड़ी तादाद में तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया था, और तिरंगा यात्रा की शुरुआत भरवारी के किड्जी स्कूल कैंपस से की गई थी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के आवास पर रविवार को पेट्रोल पंप से हमला किया गया है। हालांकि घर पूरी तरह से खाली होने की वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में पूर्व विद्रोही नेता की मौत के बाद शिलांग में अशांति और विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है, और यहां 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। बता दें, विरोध प्रदर्शनों तोड़फोड़ को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। शिलांग में असम के एक वाहन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिसमें ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया है। वहीं शहर के कई हिस्सों में पथराव की घटनाएं भी सामने आई है, और ऐसे में असम के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने राज्यों के लोगों से कर्फ्यू लागू रहने तक शिलांग नहीं जाने की अपील की है। ऐसे में असम के विशेष डीजी जीपी सिंह ने कहा कि शिलांग में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लागू किया गया है, और ऐसे में असम के लोगों को कर्फ्यू लागू रहने तक शिलांग नहीं जाने की सलाह दी जाती है। There have been a number of incidents where certain locations, IED bombs were planted in East Chentia Hills as well as in Shillong, where
The incident that took place in Shillong, certain individuals were also injured. इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही. आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया.